हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए रिटेन एग्जाम में आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि फाइनल सिलेक्शन यानी कि एसएसबी के बाद आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो वीडियो में बने रहना, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो खास करके गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो इस वीडियो में साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 10 एग्जाम्स की जो कट ऑफ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऑफिशियली मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको निकाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना, चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्यून मयंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन की। तो आप सबको पता है कि एनडीए एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं आपके। तो दो पेपर में आपका एक पेपर होता है मैथ्स का, एक पेपर होता है मैथ्स का और दूसरा पेपर होता है आपका जीएटी का, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। यानी कि जीएटी में आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और जो जीएटी का पेपर है वो 600 मार्क्स का होता है। टोटल आपका एग्ज़ाम जो है 900 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ है पिछले लास्ट 10 ईयर्स की, हम कट ऑफ देख लेते हैं, उस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो कट ऑफ जाती है वो एनडीए में कितनी कट ऑफ जाती है, तो आपको कितने मार्क्स सेफ स्कोर के लिए लाना रहेगा। बात करते हैं, जो सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 की। तो 2000 आपको ये भी पता होगा कि एनडीए का एग्ज़ाम साल में दो बार कंडक्ट होता है, तो 2016 फर्स्ट यानी कि जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसकी कट ऑफ है। तो रिटेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2288 यानी कि 288 मार्क्स गई थी कट ऑफ, जबकि टोटल जो है एसएसबी के बाद आपके जो 656 यानी कि 656 मार्क्स कराई गई थी। ये जो 656 है ये 1800 में कट ऑफ है, ना कि 900 में। ये टोटल कट ऑफ है यानी कि एसएसबी और रिटर्न के मार्क्स जोड़ के आपको जो कट ऑफ बनती है 1800 में वो है 656। तो अब इसके बाद 2016 की सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे 229 नंबर कट ऑफ है रिटर्न की और जो फाइनल कट ऑफ है वो 602 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनडीए फर्स्ट का तो ऐसा रूल है कि एनडीए फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाती है कंपैरिजन टू एनडीए सेकंड की। तो एनडीए सेकंड की जो कट ऑफ है यहाँ पे 229 गई थी और टोटल 602 गई थी, तो एनडीए फर्स्ट की थोड़ी सी हाई रहती है, ये ज़्यादातर ट्रेंड में चला आ रहा है। बात करते हैं कि 2016 के बाद 2017 की, तो 2017 में आप भी देख सकते हैं कि रिटर्न की जो कट ऑफ है 342 थी और जो टोटल कट ऑफ है 708 थी। तो जो रिटर्न की जो कट ऑफ है ये 900 मार्क्स में होती है आपकी। और इसमें आपको साथ में ये भी बता देना चाहते हैं, सर आपका जो जीएटी और मैथ्स अलग अलग पेपर होते हैं, तो मैथ्स में आपको 25% मार्क्स अलग से स्कोर करना होता है, यानी कि जो मैथ्स की जो कट ऑफ होती है और जीएटी की जो कट ऑफ, इसमें सेक्शनल वाइज आपको 25% लाना होता है। यानी कि जैसे मैथ्स में है आपको तो 25% 300 को 25% करोगे तो अप्रॉक्स 75 मार्क्स आएगा, तो आपको 75 मार्क्स तो कम से कम लाना ही है। अगर जैसे जो लोग बायो से है तो जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया इंटर में, तो उनके लिए ये रहेगा कि आप 25% तो कम से कम लेके ही आएँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2017 की जो फर्स्ट थी 342 नंबर रिटर्न में और टोटल 708 नंबर कट ऑफ थी 1800 में। अब बात करते हैं 2017 के सेकंड की, तो यहाँ पे 258 आप देख सकते हैं और टोटल 624। मैंने बताया कि जो एनडीए सेकंड की जो कट ऑफ होती है वो कम ही रहती है कंपैरिजन टू एनडीए फर्स्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में गई थी 342 रिटर्न की और इसमें 2017 के सेकंड में गई थी 258। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2018 की जो कट ऑफ है 338 रिटर्न की कट ऑफ गई है और टोटल कट ऑफ 705 गई है। 2018 सेकंड की बात करते हैं तो 325 कट ऑफ गई है, टोटल 688 कट ऑफ गई है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएं, कट ऑफ से रिलेटेड या फिर मार्क्स से रिलेटेड कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप ये भी साथ में देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे आपका जो ईयर वाइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी कट ऑफ भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है। बात करते हैं 2019 की, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 342 नंबर रिटर्न का स्कोर हो गया, यही जो शुरू में 288 नंबर था अब जाके वो 342 तक पहुँच गया है रिटर्न का स्कोर और टोटल जो है आपका 704। यानी कि एसएसबी में जो मार्क्स करना काफ़ी कठिन हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि रिटर्न में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। और 25% ईच सब्जेक्ट्स में होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि 30% सब्जेक्ट वाइज हो जाता है, बट ज़्यादातर 25% ही रहता है। अभी तक एक बार सिर्फ हुआ है, 2000 काफ़ी पहले की बात है, तो उसमें 30% हुआ था, बाकी हमेशा 25% ही रहता है। बात करते हैं एनडीए मतलब कि सेकंड की 2019 की, तो इसमें आप रिटर्न देख सकते हैं 346 गई थी कट ऑफ और टोटल जो कट ऑफ है 709 कट ऑफ गई थी।
तो फिर आप देख सकते हैं कि जो इसमें इस बार जो थोड़ा सा चेंजमेंट, एक सबसे बड़ा चेंज आया था कि जो NDA सेकंड की कट ऑफ है वो हाई चली गई थी NDA फर्स्ट की अपेक्षा। तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट में 342 थी और जो सेकंड है इसमें 346 हो गई। फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हर साल प्रतिसाल आपकी जो कट ऑफ है वो हाई होती जा रही है। तो आप लोगों से सजेशन है कि आप जो कट ऑफ का जो प्रिपरेशन है यानी कि वो 400 प्लस रिटर्न स्कोर लेके चलिए, यानी कि 400 प्लस आप लेके चलेंगे तो आपको SSB में भी बेनिफिट मिलेगा और टोटल स्कोर में भी, टोटल कट ऑफ में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप जो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्स 30% तो लेके ही चले, 25% नहीं 30% आप लेके चले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप 400 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे 900 मार्क्स में, 300 मार्क्स का आपका मैथ्स रहता है, 600 मार्क्स का GAT, तो आपका मैथ्स वगैरह स्कोरिंग रहता है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम 2020 की कट ऑफ देख लेते हैं, तो ये भी देख लो आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2020 की जो कट ऑफ है 2020 की जो फर्स्ट की कट ऑफ है यहाँ पे 355, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक के एग्ज़ाम की जो NDA की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है 355 और 2020 की फर्स्ट की। इससे पहले भी एक बार गई है इससे हाईएस्ट। बात करते हैं NDA सेकंड 2020 की, तो इसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं रिटर्न की जो कट ऑफ है 355। इसकी जो कट ऑफ है सेम क्यों गई थी, लेकिन यहाँ पे जो टोटल कट ऑफ है ये इसमें अंतर है 719 है, 719 है। अब इसकी जो रिटर्न की कट ऑफ है सेम इसलिए गई थी क्योंकि इसका एक ही एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि कोविड आ गया था तो दोनों पेपर एक बार कराए गए थे और दो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया वो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम एक हुआ था बट रिजल्ट इसके दो आए थे। तो NDA फर्स्ट सेकंड एक ही में हुआ था, इस वजह से इसकी रिटर्न की कट ऑफ सेम गई थी बट टोटल जो कट ऑफ है वो डिफरेंस आ गया है उसमें, जिसमें 733 गई थी वन में और सेकंड में गई थी 790। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो की सारी जो कट ऑफ है पिछले 10 एग्जाम्स की हमने डिस्कस कर ली। तो आपको जो मोटा मोटा आइडिया है वो आप 400 प्लस का टारगेट लेके चलिए, 30% इस सब्जेक्ट में लेके चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये थे, मैंने कोशिश की है कि सारे डाउट्स आपके मार्क्स से रिलेटेड या फिर कट ऑफ से रिलेटेड कवर हो गए हों, फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। फिर फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।